सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल रील अपडेट न्यूज को और बेल आइकन को दबाइए रील अपडेट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। भाई बहन ने मंदिर में कर ली शादी, बोली भाई के बच्चे की मां बनने वाली हूं, बताई उस रात की पूरी कहानी। आज हम आपको ऐसी ही एक घटना बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। यह घटना शर्मसार करने वाली घटना है। दरअसल भोजपुर जिले में एक भाई ने ही बहन संग शारीरिक संबंध बनाए और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। लड़की उसके बच्चे की मां बनने की स्थिति में आ गई। जब इस बात की जानकारी लड़की ने लड़के को दी तो हमेशा के लिए साथ रहने की कस्में खाते हुए दोनों घर से फरार हो गए और मंदिर में जाकर शादी कर ली। घर से भागने की जानकारी जब लड़की के पिता को हुई तो नजदीकी थाने में जाकर बच्ची के अपहरण होने का मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज कर जांच कर रही पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू ही की थी कि दोनों शादी कर थाने पहुंचे। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया, क्योंकि लड़की के पिता ने इससे पहले लड़की के अपहरण हो जाने का मामला थाने में दर्ज कराया था। पुलिस थाने पहुंचकर जहां लड़की ने कहा अब ये मेरा भाई नहीं पति है। लड़की के जुबान से इस तरह की बात सुनने के बाद पुलिस वाले जहां सर पकड़कर बैठ गए, वहीं थाने पर मौजूद ग्रामीणों ने इस रिश्ते को कलंकित करार देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस के सामने बयान देते हुए लड़की ने कहा कि हम दोनों के बीच प्यार का ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा था। इसी दौरान मुझे ये पता चला कि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इस रिश्ते के सामने आने के बाद ना तो हमारे घर वाले हमें एक होने देते ना लड़के के, इसीलिए हम दोनों ने घर से भागकर शादी रचाने का फैसला किया। घर से भागकर हमने शहर के मंदिर में भगवान को साक्षी मान शादी कर ली। लड़की के बयान सुनने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं लड़की के भाई प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए महिला थाना के अध्यक्ष ने बताया कि लड़की के पिता द्वारा लड़की के अपहरण हो जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस पदाधिकारी द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी कि लड़की खुद थाने पहुंची और मामले में नया मोड़ ला दिया।